हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो जी, आज व्लॉग जो है वो कम ही एडिट कर पाई थी, तो ये कुछ पहला व्लॉग एडिट किया हुआ था मेरे पास में। मैंने सोचा यही शेयर कर देते हैं। ये उस दिन हम लोग अपने ट्रिप के लिए चलने के लिए तैयार थे। ये हमारा व्लॉग है 12 तारीख का, जो मैंने एडिट किया हुआ था, लेकिन आप तक इसे पहुंचा नहीं पाई थी। उस दिन हमारे यहाँ पर गेस्ट आए थे शाम के टाइम में, तो मैंने बनाई थी हलवा पूरी, सूजी का हलवा बनाया था, और माँ बना रही थी गाजर का हलवा। और सब गेस्ट आए थे, आपने पाल फैमिली पे देखा ही था। तो माँ के मायके से उनकी भाभी भतीजी और दामाद जी आए हुए थे, तो काफ़ी दिनों में आए थे वो लोग। तो अच्छे से हमने खातर पानी की, शाम के टाइम ही आए थे, तो इजली जो बन रहा था मुझसे मैंने बना दिया था, क्योंकि मेरा शाम का काम एडिटिंग का भी होता है। तो देखिए, यहाँ पर सूजी का हलवा लोहे की कढ़ाई में वाकई ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, और मैं यहाँ पर बना ले रही हूँ। खाना मैंने यहीं पर तैयार किया है, आलू मटर की सब्ज़ी मैंने बनाकर तैयार कर दी है। तो अभी इसको पकने देते हैं, और जब ये किनारों से अपने आप ही छोड़ जाता है ना, तो ये समझो हलवा जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। गुड्डू बोल रही है मुझसे कि हो गया ना ये, मैंने कहा नहीं, इसको अभी और पकाते हैं तब जाकर ये होगा, जब ये थोड़ा टाइट हो जाएगा। तो फाइनली गाइज, खाना बनाकर कर दिया तैयार। ये बनाया सूजी का हलवा, आलू मटर की सब्जी और ये पूरी, और गेस्ट आए हुए हैं। तो जी, अभी मैं प्लेटें लगा रही हूँ, तो ये लग गई प्लेटें। और बेटा जल्दी से देखा सर्व करके। हाँ, तो ये लगी 3 प्लेटें। चलो दे आओ सबको, खाना तैयार है, एकदम खिला दो। ठीक है, सबको खाना खिला दिया है गुड्डू ने। और अभी यहाँ पर चिंकी और माँ अपने काम में लगे हुए हैं। माँ ने गाजर को कसना शुरू कर दिया है। मैरिज एनिवर्सरी के टाइम पर हम लोग गाजर का हलवा ज़रूर बनाते हैं, तो मैंने कहा हम रुड़की से निकल कर जाएंगे तो नीलाक्षी बहन के यहाँ पर भी पहुँचा देंगे थोड़ा सा मीठा। तो माँ लग गई जोरों शोरों से तैयारी में। पहले दिन हमने मावा बनाया था, और यहाँ पर चिंकी माँ की हेल्प कर रही है, और गुड्डू मेहमानों को, मतलब कि आज बच्चे भी इतने ज़्यादा व्यस्त है, बहुत ज़्यादा। ऐसे ही बच्चे ना सीख जाते हैं, और वो थोड़ा सा स्ट्रोंग भी बनते हैं आँच वाँच के सामने बैठने में। ये नहीं कहूँगी कि जलने का डर रहता है, लेकिन उन्हें धीरे धीरे ऐसे ही आदत बनने लग जाती है खाना बनाने की। जैसे उनका इंटरेस्ट जो है हर चीज़ में बढ़ के आता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। सीख भी जाते हैं और उन्हें एक हिम्मत मिलती है कि हाँ, कॉन्फिडेंस उनके अंदर आता है, हम इस काम को कर सकते हैं। तो मैंने इसमें डाल दिया अभी दूध, दूध में पहले इनको उबाल लेते हैं। सुबह सुबह जाने की है तैयारी, इसलिए रात में ही हलवा बन रहा है। यहाँ पे चिंकी और माँ हलवे में योगदान दे रही, उधर किचन में उधर वाले में बन रहा है खाना। प्रीति बबली उधर खाना बना रहे हैं, और यहाँ पे बन रहा है अभी हलवा। इसमें योगदान चिंकी का बहुत अहम है, और उसी भी योगदान देने की कोशिश कर रही, लेकिन इसका ले नहीं रहे ये योगदान, इसे बार बार हटा दें यहाँ से। अभी मैंने इसमें डाल दिया चीनी, और उधर बस खाना बनाने का काम हमारा समाप्त हो चुका है। माँ को अब मैं खाना ला कर दूँगी, और ये अच्छे से उबल गई थी, तो माँ खा रही है खाना। पूरियाँ मैंने इनके पास में ला कर रख दिया। मैंने इन्हें बोला कि इधर आ जाइए, साइड से अच्छा है आँच के सामने, क्योंकि आँच भी लगेगी, बगल में होते ही फिर ठंड लगने लगती है। तो मावा मैंने इसमें डाल दिया बारीक बारीक करके, हाथों से ही इसको मतलब थोड़ा थोड़ा हाँ डाल दिया था, और जिससे कि जल्दी से इसमें मिक्स हो जाए। तो इसे मिक्स करने में टाइम लगा। गाजर का हलवा जितना खाना आसान है, उतना बनाना आसान नहीं है। यहाँ पर हम लोगों ने, सब ने इसके साथ में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, खासकर चिंकी और माँ ने, तो सब लोग लगे हुए हैं इस टाइम। हमारे यहाँ पर जब गेस्ट आते थे तो बच्चे भी काफ़ी हेल्प करते हैं, उनकी हेल्प मिल जाती है हम लोगों को। और ये लास्ट प्रोसेस इसका जब आएगा, जब ये किनारों से लगना शुरू हो जाएगा, और इसमें हम लोग देसी घी या ड्राई फ्रूट्स नहीं डालते हैं, क्योंकि फिर बड़ों को खाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और देसी घी से वो जम जाता है घी इसमें। तो इस वजह से हम लोग बस मावा और दूध में ही इसको पकाते रहते हैं, पकाते रहते हैं। तो जी, ये देखिए हलवा हो गया है बनकर तैयार, पक पक कर। और तो जी, अब इसको चलाना बाकी है, बस अब इसका लास्ट प्रोसेस शुरू हो रहा। मावा मीठा जो भी कुछ डालना था इसमें डाल दिया, और बस थोड़ा सा ये पतला लग रहा। अभी इन्हों कह रहे साहब कि जब इसमें खुशबू आ जाएगी ना, वही वाली कढ़ने वाली, तो उसका खूब कढ़ा चला चला गया। माँ के भी हाथ दुख लगे थे, अभी मेरा भी एक हाथ दुख लगा। तो गेस्ट आए हुए हैं, उन्हें भी खाना खिला दिया। तो जी, अभी हलवा भी हमारा बन के तैयार हो गया, बस इसमें थोड़ी देर और यहाँ पे बैठना पड़ेगा। तो अभी टाइम हुआ है 7:30 का, और जी जल्दी से काम निपट गया, नहीं तो सासू माँ को तो बहुत ज़्यादा फिक्र हो रहा था कि दोनों काम कैसे होंगे।
उधर खाना बनाया और इधर हलवा बन के तैयार हो गया। अभी हम घूम रहे हैं भीमगोड्डा बैराज और ये हरिद्वार में ही है। चारों तरफ से यहाँ पानी आ रहा, उधर से भी और इधर से भी और वहाँ से भी आ रहा होगा। और ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, वहाँ से तो देखो हम आ गए, अब वहाँ तक जाएंगे क्या? हाँ। और ये बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का व्यू देखो। तो आप इमेजिन कर सकते हो आज से लगभग 20 साल पहले वहाँ आए थे हम। वहाँ ये नहीं था सब कुछ, अच्छा। और ये काफी गहरा होगा ना, तो आरुष थोड़ा सा थकान मानता है ना, तो उसको गाड़ी में भैया के पास में छोड़ दिया है। अभी तीनों बेटियों के साथ में मम्मी पापा करेंगे एंजॉय। थोड़ा सा भीमगोड्डा पर घूम रहे हैं इस टाइम हम, और जी एक मंदिर है यहाँ पे, वहाँ पर भगवान जी के दर्शन करके आते हैं। चलो, इतने सारे पत्थर कहाँ से आए यहाँ? बेटा नदियों में पत्थर ही बनते हैं, बहुत पथरीली नदियाँ हैं, ये पत्थर रेत पानी से बनते हैं, पहाड़ों से बनते हैं ये सब चीज़ें। देखो दूर तक जो है ये जो डैम है उसके दूसरी तरफ का नज़ारा। लगभग 1 किलोमीटर लंबा पुल है इस डैम का, ये इस पे से होके हम दूसरी तरफ जाएंगे, दूसरी तरफ पहाड़ शुरू हो जाते हैं। फिर हरिद्वार में हैं फिलहाल, तो ये कह रहे थे कि कुछ चीज़ देख के चलेंगे, तो मैंने कहा ये देख लो, बाकी चीज़ें तो आप देख ही चुके हो उधर हर की पौड़ी वगैरह में। आरुषि बहुत एक्साइटेड रहती है जगह को एक्सप्लोर करने में किसी भी, लेकिन आरुषि उसे ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं है, वो गाड़ी के अंदर ही रह गया। और देखो सबसे आगे चल रही यार उसी, यहाँ देखो पानी आउट होने की आवाज़, ये दरवाजे हैं इनके बैराज के, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, छींटे भी आ रहे हैं यहाँ तक। बैराज जी पार करके, मतलब गंगा मैया का बैराज यहाँ पे पार करके है एक मंदिर, बिल्कुल प्रकृति के बीच में, यहाँ पे दोनों तरफ गंगा मैया बह रही है, और यहाँ पे हमने दर्शन कर लिए हैं श्री हनुमान जी का, ये मंदिर है ना? हाँ, नहीं, शिव मंदिर है। अच्छा, ये शिव मंदिर है ये, और हमने दर्शन कर लिए, और यहाँ से मिला है हमें खिचड़ी प्रसाद, और अब हम ये प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके बाद चलेंगे वापस। और आरुषि को तो पसंद है खिचड़ी, और प्रसाद के रूप में मिली तो सोने पे सुहागा हो गया, चलो खा लो भाई हैं। तो देखो आरुष वंचित रह गया इस प्रसाद से, लेकिन उसके लिए लेके चलेंगे हम फिर भी। हाँ, रखा ना उसका, ले लिया उसका भी, प्रसाद बहुत था इसलिए जिस दोनों में मिला था ना वो हमने ले लिए। अभी यहाँ पे तो पूरा खा नहीं पाए, लेकिन फिर भूख लगेगी ना दोबारा, थोड़ी जगह होगी तो प्रसाद लेंगे ज़रूर। उधर आरुष को भी दे देंगे थोड़ा सा, वो वहीं बैठा है अभी। इसका एक दरवाज़ा खुला है इधर की तरफ का, बहुत तेज़ आवाज़ है यहाँ पे। आ जाओ भाई, इतनी दूर आ गए थे हम, 1 किलोमीटर लगभग लंबा है ये, और अब इसे पार कर रहे हैं, और इसे पार भी कर रहे हैं वापस। एक्साइटमेंट आरुषि का तो बहुत है अभी भी देखने में, नीचे की तरफ झाँक झाँक के देख रही, लेकिन इसे ज़्यादा हम झाँकने नहीं दे रहे हैं। चिंकी, चिंकी भी बहुत चौकस चल रही है, पहली बार पार कर रहे हो ऐसे पुल? हाँ। बहुत तेज पानी के बहाव के, बहुत तेज आवाज़ वाले। चलो 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 चलो, तो लंबे सफ़र में बच्चे हो जाते हैं अक्सर बोर, तो यहाँ पर इनका थोड़ा सा मनोरंजन कर दिया है। और फिलहाल आरुषि और आरुष काफ़ी खुश है, क्योंकि ये डांस भी कर रहे हैं, और मैं आराम से इन्हें बोल रही थी बैठ जाओ भाई बैठ जाओ। कुछ इनकी आसपास के व्यू का भरपूर आनंद ले रही हैं। तो आज हम लोग पहुंच जाएंगे घर, नीलाक्षी बहन के यहाँ पर पहुंचेंगे, वो व्लॉग मिलेगा आपको कल हमारे पाल फैमिली चैनल पर। अभी हम लोग रास्ते में ही हैं, एक दो ब्रेक भी ले लिया है बीच में। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।